नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। अमरोहा कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर सत्ता के दबाव में आकर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और 3 नवंबर को यहां पर वोटिंग होनी है। उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर और विधान परिषद सदस्य परवेश अली द्वारा अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ अमरोहा कलेक्ट्रेट पहुंचकर पर्यवेक्षक से मुलाकात की गई और उनसे बताया गया कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारी सत्ता के दबाव में आकर समाजवादी पार्टी के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं और उनके प्रत्याशी और उनके लोगों की गाड़ियों को सीज की जा रही है, उनके चुनाव को जानबूझकर प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि नौगांव विधानसभा के अंदर 3 तारीख को मतदान होना है। जिस तरह से प्रशासनिक अमले का भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपयोग कर रही है और चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो गांव के प्रधानों को, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कोटेदारों को और जो दूसरे लोगों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो पुलिस के अधिकारी होने के बावजूद, थाना प्रभारी होने के बावजूद, और वो लोगों को तरह तरह की धमकियाँ देकर मतदान को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल ऑब्जर्वर साहब से मिला और हम लोगों ने ये अनुरोध किया है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और जो अधिकारी इस तरह का, जिनकी शिकायत की गई है, जिस तरह का रवैया उन लोगों ने अपना रखा, ऐसे अधिकारियों को तत्काल यहां से हटाकर ऐसे अधिकारी, ईमानदार अधिकारी लगाए जाएं जो निष्पक्ष रूप से चुनाव कराएं और मतदान निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। आज हम लोग, क्योंकि नौगावा में उपचुनाव हो रहा है, तो हम सभी लोग समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें मैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी, पूर्व मंत्री कमाल अख्तर साहब और यूथ के अध्यक्ष अहबाद भाई, हम सब लोग ऑब्जर्वर साहब से मिलने आए थे। मिलने का कारण ये था कि लगातार कुछ प्रशासनिक अफसर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और नेताओं को बाधित कर रहे हैं चुनाव प्रचार करने से। लगातार हम लोगों की गाड़ियाँ सीज की जा रही हैं, लगातार अनावश्यक रूप से जिन गाड़ियों की परमिशन है उन गाड़ियों को जांचा जा रहा है और जांच के नाम पर बहुत बहुत देर तक रोका जा रहा है, हरास किया जा रहा है। गांवों से लगातार शिकायत जिम्मेदार लोग कर रहे हैं हमारी पार्टी से जुड़े, कि कुछ अफसर सत्ता पक्ष के दबाव में हैं और उनकी मदद के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्योंकि ये लोकतंत्र में पर्व है चुनाव, तो हम चाहते हैं इस पर्व को ईमानदारी के साथ पूरे नौगांव वासी मनाएं, सब लोग ईमानदारी से, क्योंकि समाजवाद इस वक्त बहुत आगे है और समाजवादी पार्टी जीत रही है, मेरा ऐसा मानना है। वही अमरोहा की नौगावा सादात विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई है। दूसरी तरफ प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। डीएम उमेश मिश्रा ने बताया कि पोलिंग स्टेशनों पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने लोगों से ये भी अपील की है कि वो अपना चेहरे को मास्क या फिर गमछे से कवर कर पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने के लिए आए। हाँ, ये सभी पोलिंग पार्टियों को समय से यहाँ आने के लिए अनुरोध किया गया था। सभी पार्टियाँ आ गई हैं और ये प्रयास किया गया है कि सभी को अलग अलग समय दिया गया है, जिससे भीड़ न हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके और सभी पार्टियाँ अपने निर्धारित बसों में तैयार होकर के, अपने सामग्री लेकर के आज ही पोलिंग स्टेशन पे, अपने पोलिंग बूथ पे पहुँच जाएंगे और कल सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेजर आशीष चतुर्वेदी औरैया पहुंचे, जहां उनका पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी, डकैती की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस का काम सिर्फ निर्दोषों को फंसाना और पीड़ितों से धन वसूली करना ही रह गया। कि आप सब जानते हैं कि निकट भविष्य में 2022 में चुनाव आ रहा है और समाजवादी पार्टी जो है वो मजबूती से अपनी तैयारी कर रही है। उसी उपलक्ष्य में मैं आज रैया से इटावा जा रहा हूँ और रैया के अपने जितने साथी हैं उनसे मिलना, उनमें एक विश्वास जगाना और उनको आने वाली जंग के लिए तैयार करना ही मेरा मकसद। बाराबंकी के सरकारी धान क्रय केंद्र सफदरगंज पर बाराबंकी के अपर जिलाधिकारी संदीप गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं को भी जाना। आपको बता दें कि अपर जिलाधिकारी संदीप गुप्ता ने मंडी में बोरे न होने के चलते किसानों की हो रही समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए केंद्र प्रभारी को जमकर फटकार लगाई है। यहाँ पर देखिये, सफदरगंज मंडी में हमारे 3 क्रय केंद्र है
एक मार्केटिंग का है, एक FCI का है और एक मंडी का। तो बाकी दोनों तो हमारे चले थे, मंडी वाला जो है वो चल नहीं रहा है, बताया कि सब बोरे नहीं है। तो ये बड़ा शॉकिंग था। मैंने बात भी किया धनंजय से, जो मंडी सचिव हैं, जिनके प्रभारी हैं, बताया 28 तक कोई पैसा जमा हो गया, अभी तो बोरा मिला नहीं। अभी बोरा मिल रहा है इनका और फैमिल से भी अटैचमेंट हो गया, लेकिन ये बात इनको जो है समय रहते ही इसको फॉलो करना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी तालियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं और कुछ बड़े बड़े काश्तकार भी हैं, कुछ छोटे छोटे भी हैं। तो छोटे छोटे काश्तकारों को हमने टैकल किया और हमारा हफ्ते में 2 दिन ट्यूसडे और फ्राइडे जो है छोटे काश्तकारों के लिए स्पेशली है। तो जो छोटे काश्तकार थे वो आए थे सिर्फ, तो हमने कहा कि ठीक है। तो मैंने थोड़ा स्वयं जो है, क्योंकि एक दिन में एक क्रैक में 300 क्विंटल हमारे तोड़ सकते हैं, तो हमने उनका जो लिस्ट बनवाया कि इनको जो है मंगलवार को तोड़िए। और निर्देशित किया गया कि जितने भी छोटे काश्तकार हैं मंगल और शुक्रवार को खा लेना चाहिए, आप प्रायोरिटी दे दीजिए। जालौर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष को युवतियों से छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया, जहां 2 युवतियों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष के बीच बाजार में जूते और चप्पलों से पिटाई कर दी। युवतियों से बचने के लिए जिलाध्यक्ष बार बार अपनी रहन की भीख मांगते रहे, लेकिन युवतियां लगातार पिटाई करती रही। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो उरई कोतवाली के रेलवे स्टेशन के पास का है। बताया गया कि सुबह के समय 2 युवतियां रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी, उसी दौरान वहां पर खड़े कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा युवतियों के साथ छेड़खानी करने लगे। इसे देखकर युवतियों ने हिम्मत दिखाते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा को पकड़ लिया और उनकी सरेराह पिटाई करनी शुरू कर दी। थाना कोतवाली उरई में रेलवे स्टेशन रोड का वीडियो बताया जा रहा है, दिखाया गया है जिसमें 2 लड़कियां हैं और एक शख्स के साथ में मारपीट हो रही है। उसमें 2 लड़कियां मारपीट कर रही हैं। शख्स का वीडियो प्रथम दृष्टया से जानकारी दी है यहाँ के लोग, उन्हें बताया जा रहा है कि जिलाध्यक्ष हैं यहाँ पर। घटना ये हुई, जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं अनुज मिश्रा जी, वो काफ़ी दिन से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं एक सोसाइटी चलाती हूँ, वहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ आती हैं, 100-200 लड़कियाँ आती हैं, तो बेवजह वहाँ चक्कर लगाना, बेवजह फ़ोन करना, और जब फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं हमारे चाहने वाले का नंबर है। काफ़ी दिन से हम परेशान हो गए इनसे, और हमने इसकी शिकायत इनके जो सीनियर हैं अजय कुमार लल्लू जी उनको की, वो कहते हैं ऑफिस आइए, ये करिए, बहुत सारी फॉर्मेलिटी करिए तो हम कार्रवाई करेंगे। और ये अनुज मिश्रा जी कहते हैं कि हमने उसकी पीए को 2 लाख रुपए दे दिए हैं, वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, पुलिस हमारी जेब में है। ये जो अनुज मिश्रा हैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष, वो कुछ दिनों से नंबर पर फ़ोन कर रहे थे। हमने जब मना किया कि फ़ोन नहीं करना, तो कहते कि हमारे चाहने वाले का नंबर है, हम फ़ोन करेंगे। कभी गालियाँ भी दी, बहुत कुछ गंदा गंदा बोला, तो हम लोगों ने फिर यहाँ पर मारा उनको। कब से परेशान कर रहे थे? बहुत दिन हो गए। किस शिकायत आपने ऊपर बोला बहुत बार कहा है, तो वहाँ के जो उनके मेन पार्टी कौन है, अजय कुमार लल्लू जी, वो सुनने को तैयार नहीं है। और ये कहा जा रहा है हम लोगों से कि पुलिस हमारी जेब में है, तुम कुछ उखाड़ नहीं सकती हो हमारा। कौशाम्बी के सैनी कोतवाली अंतर्गत अवैध रूप से देसी शराब का कारखाना चलाया जा रहा है। शराब की दुकान पर काम कर रही महिलाओं का कहना है कि पुलिस सबसे रिश्वत लेती है। तो कौशाम्बी साहब को हम बता रहे हैं कि कौशाम्बी में अवैध रूप से देसी शराब का कारखाना चलाया जा रहा है और शराब की दुकान पर काम कर रही महिलाओं का कहना है कि पुलिस सबसे रिश्वत लेती है। प्रदेश भर में यातायात माह का शुभारंभ किया गया और यातायात नियमों का पालन करने के लिए और सड़क हादसों को कम करने के लिए लोगों को यातायात माह के माध्यम से जागरूक किया गया। इसी को लेकर ललितपुर में भी पुलिस अधीक्षक ने फीता काटकर यातायात माह का शुभारंभ किया। लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए घंटाघर पर सदर चौकी के बगल में पुलिस विभाग के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए यातायात नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। दुर्घटना से बचने के लिए कार्यक्रम में छोटे छोटे नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। हर वर्ष की बात है, यातायात माह नवंबर में शुरू किया जाता है, जो 1 तारीख से लेकर के और 30 नवंबर तक चलता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे आज प्रोग्राम किए हैं घंटाघर पे, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा फीता काटकर उस शुभारम्भ किया गया है, यातायात माह का शुभारम्भ किया गया है। इसमें यातायात माह के दौरान पूरे माह भर हम लोग अलग अलग तरीके के प्रोग्राम करते हैं, जिसमें स्कूल में बच्चों को मतलब इकट्ठा करके बच्चों को सिखाना, यातायात के नियमों का पालन कैसे किया जाएगा, कैसे वाहन चलाए जाएंगे, शहर में लोगों को जागरूक करना, पंपलेट के माध्यम से या नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से या हेलमेट पहना कर उनको जागरूक कर, जो 4-व्हीलर वाले हैं उनको सीट बेल्ट पहनने को मतलब बोला जाता है, जैसे क्योंकि आजकल हाईवे पर या शहर के अंदर काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे कि अगर हेलमेट आप नहीं पहने हैं
तो आपको 99% आप मृत्यु का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हेलमेट पहने हैं तो एक बार को अगर आपके पैर से भी अगर कोई गाड़ी निकलती है, अगर आप गिर भी जाते हैं तो आपका सर बचा रहेगा और आप जान जोखिम में आपकी नहीं पड़ेगी, कम से कम आप बच जाएंगे। तो इसी के उसमें नवंबर माह के पूरे दौरान इसी कार्यक्रम को किया जाएगा और जा जाकर गली और मोहल्ले और चौराहों पर और अन्य सड़कों पर रोडों पर हर जगह मतलब जागरूक किया जाएगा लोगों को कि आप हेलमेट पहनकर चलें व अगर फोर व्हीलर चला रहे हैं तो आप सीट बेल्ट का प्रयोग करें। सुल्तानपुर के इकलौते पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम का आखिरकार कायाकल्प शुरू हो गया है। स्टेडियम के आधुनिकरण के लिए खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी और सांसद मेनका गांधी स्टेडियम पहुंचे, जहां दोनों ने मिलकर स्टेडियम का शिलान्यास किया। 5 करोड़ की लागत से बन रहे इस स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट कोर्ट दोनों तैयार किए जाएंगे। देखिए, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने तब से खेलो इंडिया खेलों के तहत और पिछले साल फिट इंडिया के तहत खेल को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण अंचल से लेकर के शहरी इलाकों में यह सरकार का प्रयास है और उस प्रयास के तहत खेल को बढ़ावा देने में पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ पूरी सरकार लगी हुई है और उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ के लोकप्रिय सांसद महोदया के द्वारा यहाँ का जो आज निर्माण हुआ ये भारत सरकार के खेलो इंडिया खेलों के तहत ही है। उन्होंने इतनी बड़ी सौगात ही नहीं दी, वो खुद आए और इतनी तकलीफ के बाद वो थके भी हैं, इलेक्शन पूरा संभाल रहे हैं, इसके बाद सीधा लखनऊ जाएंगे और वो इतनी दूर आए हैं हमारे क्षेत्र की मदद के लिए। और हमारा केवल एक तरीका है धन्यवाद करने का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेल में हम बहुत अच्छे दर्जे तक पहुँच जाए ताकि हम उनको धन्यवाद इस तरीके से कर पाए। थैंक यू। उत्तर प्रदेश में चर्चित 3 धार्मिक स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार सिंह ने अयोध्या मथुरा व काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया। उसके बाद एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार सिंह ने कमिश्नरी सभागार में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। एडीजी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 3 धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर नियमित समीक्षा होती है। सुरक्षा मुख्यालय के तत्वावधान में जिसको लेकर जितने भी स्टेट होल्डर हैं उनके साथ बैठकर आपस में मंथन किया गया है। जो 3 धार्मिक स्थल हमारे हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या मथुरा काशी, इनकी सुरक्षा की नियमित समीक्षा होती है सुरक्षा मुख्यालय के तत्वावधान में। उसी कड़ी में आज काशी के धार्मिक स्थल की सुरक्षा बैठक थी। जितने भी उससे जुड़े हुए जितने स्टेक होल्डर्स हैं सब ने आपस में बैठ कर मंथन किया। चूँकि आप देख रहे हैं निर्माण का भी काम चल रहा है, जो व्यवस्था है बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसको और कैसे हम बेहतर करें, उसी कड़ी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन CRPF सुरक्षा मुख्यालय के सभी अधिकारी बैठ के मंथन किया और चीज़ों को और बेहतर करने के लिए एक संकल्प लिया।